चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। काफूर जिन तुम मैं वापस आ गया सुने काफूर भाई तुम वापस क्यों आ गए हो? अपनी शहजादी नीलम को लेने आया हूँ। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लेते, पहले ही डर के भाग जाते हैं। अपने सामने जिन को देखा। याद कर फिरजाना, तूने नबील को देखा होगा। नहीं माजी, नबील नहीं था, जिन था, काफूर जिन। भाई जिन काफूर वापस आ गया। मैं वापस आ गया अपनी शहजादी नीलम को ले जाने। भाई मैंने नहीं जाना तेरा। खाला मैं तुम्हारी नहीं, इस खूबसूरत सी नीलम की बात कर रहा हूँ। अरे मोगो, ये इस घर की इज्जत है भाई। अच्छा मैं समझती थी इस घर की बहू है बशारत। महमूद। ओ महमूद इस घर की बहू है भाई, बड़ा मर्दाना नाम है हमारी नूह का। अरे मोमो महमूद मैं हूँ यार। अरे खूबसूरत इस घर की इज्जत है, लेकिन बहुत जल्दी मुझसे शादी करके कोका की बहू बन जाएगी। नबील तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? कुछ आप लेंगे कपूर भाई? नबील दफा करो इस छोटी टी शर्ट वाले को, तुम मेरे साथ चलो वरना। वरना क्या, तुम फिर से मुझ पे जादू करोगे? नहीं, आपकी बार में कोई जादू नहीं करूंगा तुम पर, तुम खुद मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी। ओए बगैरता, दिन दहाड़े ये जिन का बच्चा तेरी बीवी को इतनी बड़ी बड़ी लहने मार रहा है, तू कोने में धुपका खड़ा है। ओ माँ जी ये जिन है, मैं इसका मुकाबला कैसे करूंगा यार। मैं देखती हूँ मेरे होते हुए मेरी बहू के आस पास भटकता भी कैसे ये। हाँ। हम सब मिलकर इस जिन को देख लेंगे। हाँ। अगर आप सब कह रहे हैं तो फिर ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इस जिन को। तुम और तुम तीनों बाहर आओ। खूबसूरत तुम फिकर नहीं करो, इस काफूर को हम अभी मजा चिखा कर आते हैं। वो जो हम काफूर को चिखाएंगे वो मजा होगा। हाँ जी। अच्छा जी। शाकरे तू फिकर ना कर, अभी तेरी वो जिंदा है। थैंक यू, आप सब लोग कितने अच्छे हैं। हम देख लेते हैं उस जिन को। आए जी देख लेते। अरे ये कहाँ मर गया काफूर का बच्चा? देखो काफूर, अगर खूबसूरत की खातिर जान भी देनी पड़ी ना तो नबील कभी पीछे नहीं हटेगा। हाँ भाई तुम्हारी बीवी है तो तुम ही जान दोगे ना। मुझे इसकी फजूल जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शहजादी नीलम चाहिए। तुझे उस कोकब में क्या ऐसा दिखाई दिया है? नासूर? नासूर नहीं काफूर। इस वक्त तो तू नासूर ही बना है, पीछा छोड़ दे शबाना का पीछा तो मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दिया था, अब तो मैं शहजादी नीलम के पीछे हूँ। इसका मतलब है कि ये छिछोरपन तुम में हमेशा से है। बिल्कुल आपकी तरह महमूद साहब। नबील मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास तुम तीनों के लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर? मैं तुम तीनों की एक एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि मुझे 50 लाख रुपए का ना चेक दे दो और मुझे 20-30 तोले के ना पीतल के जेवरात बना दे। अरे पीतल के क्यों, सोने के बनवाओ। सोने के लिए जेवरात बनवाने की क्या जरूरत है, उसके लिए मोटर गाड़ी मंगवाए ना। हाँ सब हो जाएगा, तू कुछ नहीं मांगेगा? मैं 50 लाख या सोने के लिए अपनी बीवी को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। 2 करोड़ अगर नगद देते हो तो बात बनती है। ठीक है दिया। अंतर मंतर छो समंतर छोक चमक चमक खाचो इज्जत दिला मुझे।
काफूर जिन चला गया? जानू काफूर जिन तो बाहर है पर मेरी आंखें खुल गई हैं। तेरी आंख तो सुबह से खुली हुई है। ओ माँ जी क्या हो गया आपको, कंट्रोल करें यार, इमोशनल सीन है यार, खराब ना करें। जानू मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ जानू। इस बात का तुम्हें आज एहसास हुआ है नबील? हाँ, पहले से 2 करोड़ जो नहीं दिए थे। 2 करोड़? जानू तुम्हारी कसम दिल से ले लिए मैंने, वो तो काफूर जिन ने तरस खा के मुझे दिए यार, गरीब समझ के। एक नंबर का वो निकला है तू तो। मासूम माँ जी? मासूम नहीं, मक्कार। हाँ, मक्कार। निसरीन इसने काफूर की ऑफर कबूल कर ली है। नबील तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने जिन से 2 करोड़ ले लिए। हाँ जानू तुम्हें क्या करता है यार, वो जो लाहौर में जिन बैठा हुआ है प्लास्टिक सर्जरी करा के, वो तो मुझे एक पाई नहीं देता, तो मैं क्या करता, नाचार बेकस बेबस। शट अप नबील। ओके जानू। चल पुत्र नोटों की गड्डियां तोड़ा। ओ माँ जी, नोटों की गड्डियां उस वक्त उड़ेंगी जब नई दुल्हन आएगी इस घर में। चले चल के चेंज करते हैं यार, क्या पूरा एपिसोड हमने स्लीपिंग सूट में गुजार दिया। आ जा बोलो, चलो चेंज करो। क्या तुम हाहा करके हर वक्त हंसते रहते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं हंसूंगा नीलो। नीलो? हाँ नीलो, आज से मैं तुम्हें प्यार से नीलो बुलाऊंगा। और तुम क्या बुलाओगी? मैं किसी आमिल बाबा को बुलाऊंगी तुम्हें भगाने के लिए। आमिल? इस शहर में सारे जाली आमिल भरे हुए हैं, कोई अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है। मुझे देखो मैं कितना कमिटेड जिन हूँ, मुझसे बेहतर पैकेज तुम्हें नहीं मिल सकता। बड़े चिपकू जो ना तुम तो। हाँ चिपकू तो मैं हूँ, तभी तो कोकाफ की सारी परियां मुझसे बहुत परेशान है। तो इसीलिए जमीन पे भटक रहे हो तुम? वहाँ की सारी परियों ने मेरा बायकॉट कर दिया था, इसीलिए तो मैं जमीन पर आ गया। लेकिन तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता काफूर, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। नीलो मान लो मैं ही तुम्हारा इकलौता सोलमेट हूँ, जरा सोचो तुम और मैं कोकाफ के महल में, और हमारे 10-12 छोटे छोटे जिन और जिनरिया बच्चे यहाँ वहाँ भागते, कितने क्यूट लगेंगे। Shut up, Eugene. कितना प्यारा शटअप बोलती है। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं है बबल। ओ भाई तारिक नकवी, मेरी बात सुन, मेरी टिकटें कंफर्म है ना, कोई 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए, मैंने पूरा यूरोप घूमना है। हाँ ओके डन, ओके बाय। नबील ये सब क्या है? अच्छा हुआ जानू तुम आ गई। तुम कहाँ जा रहे हो? जानू मैं जा रहा हूँ यूरोप, तुम्हें पता है असली मंजिल मेरी वही है। एक काम करो, जल्दी से मेरी शादी वाली शेरवानी निकाल। तुम शेरवानी का क्या करोगे वहाँ पे? देखो जानू वहाँ जाके मैं निकाह चाहे किसी गोरी से ही करूँ, लेकिन कपड़े मैं ट्रेडिशनल पहनूंगा, शेरवानी। नबील वो काफूर जिन मुझे कोकाफ ले जाएगा यार। ओ जानू तो क्या हुआ यार, कोकाफ ये कटी पहाड़ी के पीछे तो पड़ता है, मैं कभी कभार चांदी को तुमसे मिलाने ले आया करूँगा ना। नबील तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे पता है जानू तुम मुझे भूल नहीं पाओगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि दूसरी शादी करके अपनी बीवी का नाम खूबसूरत रखूंगा तुम्हारी याद में। बाहर में जाओ तुम नबील। और तुम कोकाफ जाओ, मेरी जान छोड़ो। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी नबील। नोच लो जानू, मैं नया मुंह लगवा लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं कहाँ खर्चूं। आखिरी बार, इट्स ओके जानू, इट्स ओके। अच्छा जी ये और ये भाई मुमताज, 50 लाख तो हो गए ये काफूर वाले, और जो मेरी जमा पूंजी है वो सारे मिला के ना हम 2 कमरों का अच्छा सा फ्लैट ले सकते हैं। 2 कमरों के फ्लैट में आपका ये बड़ा सा मुंह कहाँ समाएगा इफ्तिखार? अरे भाई तो जितने पैसे हैं उसी में कुछ करना है ना। तो आपने भी तो फकीरों की तरफ 50 लाख मांगे, अदील को देखा है ना, शातर लालची माशाल्लाह मेरा बच्चा,
पूरे 2 करोड़ निकलवाए उसने कफूर से। अरे भाई मैं ठहरा मासूम आदमी, मैं तुम्हारे बेटे की तरह कोई शातर वातर नहीं हूँ। अच्छा एक काम करो ना, ये थोड़ा सा अपना जेवर बेच दो, ये पैसे बीच में मिला के हम अच्छा सा कोई घर ले लेंगे। माँ जी महमूद साहब आप लोग तो मेरी हेल्प करें ना, उस काफूर से मेरी जान छुड़ाए। देख नसरीन मान जा, काफूर जो है ना बड़ा हो ना हार जिन ने तुझे बहुत अच्छा रखेगा। हाँ खूबसूरत इसी में ही तुम्हारा भला है भाई। अरे नबील तो बिल्कुल ही निकम्मा आदमी है, काफूर के साथ ना तुम बहुत खुश रहोगी, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तो कभी कभार हम दोनों को भी कहो बुला लिया करना नसरीन। हाँ अरे सुने वहाँ बड़ी प्यारी प्यारी परियां होती है। आए तिलावर मैंने कोई काफ की ना पहाड़ियों से आपको ऐसा ठुड्डा मारना है अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी। आप लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है पुत्र, काफूर के साथ मैंने खुद तुझे रुखसत कराना है। मैं तेरी सास नहीं वो बनूंगी। इस वक्त आप मेरी दुश्मन बनी हुई है माँ जी। माँ हाँ, मैं तेरी माँ बन के तुझे रुखसत करूंगी जमीला। मुझे कहीं रुखसत नहीं होना। हाँ तो काफूर को घर दमाद रख लेते हैं। शर्मा गई है बच्ची, हारे मैं क्या करूँ। सॉरी मैं हंसूंगा नहीं अब। तो फिर तुमने क्या सोचा नीलो? मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से माफ किया नीलो, चलो मंगनी करते हैं। माफ कर दो मतलब मेरा पीछा छोड़ो भाई। भाई देखो अगर मैं इंसान होता तो तुम्हारे मुंह से ये भाई का लफ्ज सुन के मुझे हार्ट अटैक हो जाता। मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती भाई। अरे कोशिश तो करो ना यार, मैंने भी तो अपनी बीवी को छोड़ा है। क्या तुम शादीशुदा? हाँ, बड़ी खतरनाक चुड़ैल है वो, बिल बटोरी की पोती, बिल चटोरी है वो। बिल चटोरी? हाँ, बड़ी चटोरी है, इंसानों को तेज आंच पे भून के खा जाती है। क्या? मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है वो, लेकिन मैंने कोकाफ के बड़े बड़े जिनों को साथ मिला के उसको कैद कर लिया था। कैद? कहाँ किया था कैद? इस लॉकेट में कैद है वो चटोरी, इस लॉकेट के खुलते ही वो आजाद हो जाएगी। मैं तो तुम्हें बहुत ही आम सा जिन समझ रही थी, लेकिन तुम तो बहादुर निकले। मुझे तुम्हारी मोहब्बत कबूल है काफूर। क्या नीलो, सच में तुम मेरे साथ कोकाफ चलोगी? हाँ मगर एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? तुम ये लॉकेट मुझे दो। क्यों? तुम इस लॉकेट का क्या करोगी? मैं इसे अपने पास रखूंगी ना। देखो मुझे डर है कि तुम तर्स खा के अपनी बीवी को रिहा ना कर दो, और अगर वो रिहा हो गई तो वो मुझे कच्चा खा जाएगी। मैं उसे कभी रिहा नहीं करूंगा। तुम्हें अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये लॉकेट तुम रख लो। थैंक यू काफूर। चलो अब चल के सबको खुशखबरी सुनाते हैं। चलो। तो इसे जानू नहीं कह सकता। और क्या हो गया काफूर, आदत जाते जाते जाएगी ना भाई। चल काफूर पुत्र, इसी खुशी में माँ को नेग नहीं देगा कोई 2-4 करोड़ का? क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन पहले ये अंगूठी तो पहना दूं अपनी नीलों को। नहीं पहले मेहमानों को तो आने देना। कौन से मेहमान? ये मेहमान। ये क्या किया तुमने नीलो? किसने मुझे आजाद किया? मैंने। ये तुम्हारा शौहर काफूर मुझे अपने साथ कोकाफ लेकर जाना चाहता था, और इसने मेरे घर वालों की ख्वाहिशात पूरी करके ना इन्हें अपनी तरफ कर लिया। अरे इसका मतलब है काफूर पहले से शादीशुदा था। भाभी ये तुमने अच्छा नहीं किया नीलो। अच्छा तो अब मैं तेरे साथ नहीं करूंगी काफूर। देख मैं क्या करती हूँ, अगरम बगरम चू चू चू। अब मैंने तेरी सारी ताकत छीन ली है, अब तो तू बस एक आम इंसान है काफूर। चटोरी मुझे माफ कर दो, मेरी पावर मुझे वापस लौटा दो। चल दफा हो इधर यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे बंदर बना दूँ। मैंने एक लड़की, तू बता तूने मुझे आजाद किया है, तू क्या चाहती है मुझसे? मैं चाहती हूँ कि इन सब की ख्वाहिशात जो काफूर ने पूरी की थी
इनसे वापस ले लो। नहीं नहीं जानू, ये नहीं जाना, ये नहीं जानू। अगर हम अगर बिल बिल जोड़ी, अगर हम अगर बिल बिल बोली, अरे मेरी सिल्वर, अरे मेरा चेक, वो मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, अरे ये क्या किया तुमने, सारी चीजें वापस ले ली। आप लोगों के साथ यही होना चाहिए था। अच्छा भाई मुझे बड़ी भूख लग रही है। आप मेरे साथ किचन में चले, अगर खाने से पेट ना भरे तो बेशक इन तीनों को खा। कुत्ते रुक सा ना, मैं तेरी माँ हूँ। ये क्या जानो, और ऐसे क्या हुआ मैं मुंह साल जिन का बच्चा ले ले, बड़ी बड़के मारता था मुस्तफा कुरैशी की तरह। हेलो मैंने आज तक नहीं देखा। ओ भाई इतनी तो हमारी इंसानों की बीवियां जलील नहीं करती जितना तेरी बीवी ने आज जलील किया तुझे। हाँ ना, और हमारे सारे पैसे और जेवर भी ले लिए तुम्हारी उस चुड़ैल बीवी ने। मैं कहती हूँ जरूरत क्या थी तुझे बीवी के होते हुए शहजादी नीलम तलाश करने की, अब बन के इंसान पड़ा रहे इधर फिड़े मुंह तेरा। जा जा के रेड़ी लगा, हम फ्री का खाना नहीं खिलाते। कब से सुनाए जा रहे हो, मेरी भी तो सुन लो, मेरी सारी ताकत मुझे वापस मिल सकती है अगर वो लॉकेट मेरे पास वापस आ जाए, दिलवा दो मुझे। वो तेरा दिमाग ठीक है चिन के बच्चे, वो लॉकेट तेरी चुड़ैल बीवी के पास है। देखो प्लीज एक बार मेरा लॉकेट मुझे दिलवा दो, मैं वादा करता हूँ मैं वापस चला जाऊंगा और तुम लोगों को पैसे भी देकर जाऊंगा। अरे हाँ नबील डील अच्छी है, अरे हमें पैसे भी मिल जाएंगे और ये खूबसूरत का पीछा भी छोड़ देगा। लेकिन यार चुड़ैल से लॉकेट लेगा कौन? मैं मुसाब आप, अरे वो चुड़ैल है नबील चुड़ैल। तो आप कौन से किसी यूनानी देव से कम है यार, अरे वो आप पे फिदा हो जाए। खबरदार जो मेरे अलावा किसी चुड़ैल की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो। हाँ यार नबील मेरे लिए एक ही चुड़ैल काफी है। देखो मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, जल्दी से मेरा लॉकेट मुझे लाके दे दो। ओ यार माँ जी महमूद साहब कान इधर ले गया, मैं भी जाके फ्रिज में से लेकर आती हूँ। अरे तुम्हारा कान ये रहा भाई। हाँ और सुने गौर से, करना ये है भाई नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा भाई। अरे कोई खूबसूरत सी परी होती ना तो शायद मैं सोच भी लेता, अरे वो चुटोरी चुड़ैल है, अरे वो तो मुझे सालिम निकल जाएगी। बेफिक्र रहो सालिम नहीं निकलेगी, उसे बुना हुआ गोश्त पसंद है। ऊपर से ना कोले को पका के ना उस पर रख के दम दे दे तो मुमताज। अरे तुम भी अपने शौहर को चुड़ैल के आगे करना चाह रही हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं इस बारी फैसल कुरैशी से शादी कर लूंगी। रोज रोज आते है वो, कहां मेरे ख्वाब में आके रोज मॉर्निंग शो करता है ना। ओ यार छोड़े माँ जी को, आप चाहे मैं मुसाब जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल उसके मुताबिक करना है। चले मोहब्बत आग का दरिया जाना जल जाएगा, प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ, तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है। पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। पता नहीं कैसा चटोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। किसी इंसान का गोश्त है तो रख दे वरना दफा हो जाए यहाँ से। अरे ये बकरे के गोश्त के कोफ्ते हैं, मैंने बड़ी ईद पे ना गोश्त छुपा के रख लिया था, तो तुम खा के तो देखो। ये तो बड़े मजे का है भाई। कितनी प्यारी लग रही है तुम चटोरी। मैं प्यारी? मुझे आज तक किसी ने प्यारी नहीं बोला। क्यों? अरे तुम तो इतनी हसीन हो। हसीन? ये देखो ना ये बकरी की तरह तुम्हारी जुल्फे आई हुई कितनी प्यारी लग रही है। और तुम्हारी लाल लाल आंखें, अरे इन्हें तो मैं देखते ही दिल हार बैठा था। सच्ची? हाँ ना, अगर 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 तुम मेरी मोहब्बत कबूल करो ना तो मैं ना तुम्हारे साथ कोहे काफ चलने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ ठीक है, फिर ना तुम मुझे ऐसे ही वहाँ पे बकरे के गोश्त
के कोफ्ते खिलाना, सही है ना? अरे ये कितना प्यारा लॉकेट है। अरे दो मुझे, इसको इसको बंद नहीं करना। क्या कर दिया तुमने? निकालो मुझे इसमें से। छोड़ो, चिपका चिपका मुझे। बच्ची कैसा बंद किया है तुझे मैंने। मेरी ताकत वापस आ गई, मैं फिर से ताकतवर हो गया। चिटोरी, चिटोरी। अरे चिटोरी चुड़ैल को मैंने इस लॉकेट में वापस बंद कर दिया है। किस गैर मर्द के सदके जा रही हो मुमताज? आप पे मनवर। मैं महमूद हूँ यार। अरे काफूर ये लो अपना लॉकेट संभालो। देखो काफूर, खबरदार जो तुम फिर से शुरू है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जानू तुम टेंशन नहीं लो, हमने से डील की थी, तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा और हमारे पैसे भी वापस करेगा। नीलों का पीछा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ख्वाहिश भी मैं अपनी नीलों की ही पूरी करूंगा। अरे ये क्या बात हुई भाई? अरे ये तो धोखा है भाई। तुम लोग कौन से दूध के धुले हुए हो? नीलो अपनी ख्वाहिश बोलो। पुत्र नीलो, फौरन 100 तोले में डील कर ले। शाबाश। बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम इन तीनों को भी अपने साथ कोकाफ ले जाओ। क्या हुआ भाई, वापस क्यों आ गए? अरे जानू वो हमें दरवाजे में छोड़ के चला गया, कह रहा मैं फिर आऊंगा। क्या? चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते